सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार लाइटिंग वगैरह आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि थोड़ी बेटर हुई है। उसके अलावा जो सेटअप है, जो न्यू सेटअप है, वो भी रेडी हो रहा है धीरे धीरे। और यार एक सबसे बड़ा रीज़न, मैंने लगभग 2 से 3 हफ्ते हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो उसका रीज़न यार ये है कि 9th of April से रतलाम के अंदर लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद से मैंने ना कोई राइड करी है। 9th of April को मैं एक राइड पे गया था, मैंने उस दिन थोड़ा सा व्लॉग भी किया था, मेरे पास में फुटेज रेडी है, मैंने ना उसे एडिट किया है ना, अगर एडिट नहीं है तो रेंडर भी नहीं होगा, बट सून आई एम गोइंग टू अपलोड इट और आप लोगों को थोड़े दिन में देखने को मिल जाएगा। बट द मेन थिंग इज़ कि तब तक जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, शायद से 30th April तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए, उसके बाद में भी क्या सीन रहता है वो तो हमें कुछ पता है नहीं। बट यार सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो आई होप आप लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे होगे, घर में रहो, सेफ रहो। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं जब तक घर के अंदर हूँ, मैं तब तक कुछ ना कुछ कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मैं एक सेकेंड बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो ये है चीपेस्ट, जो आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में जो चीपेस्ट राइडिंग या बाइकिंग ग्लव्स जो अवेलेबल हैं वो। अब ये मैंने लिए थे कुछ 320 रुपीज़ के, और इसकी जो प्राइस है वो ऑनलाइन जो फ्लक्चुएट होती है वो अराउंड 280 से लेके 350 के बीच में होती है। साइज़ अगर ये है देखा जाए तो ये है एक्सेल साइज़। अब एक्सेल साइज़ क्यों? क्योंकि मुझे एक्सेल साइज़ आता है ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने एक्सेल साइज़ लिया था। तो अब मैं बताता हूँ, ये आप ले सकते हो, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। बट द क्वेश्चन इज़ इट वर्थ इट? मतलब क्या चीपेस्ट जो ये है, क्या इसमें आपको क्वालिटी मिलती है, क्या ये इसका पर्पस सॉल्व करता है, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं? तो हम बस इसी की बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नकल गार्ड मिलते हैं, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिलते हैं प्रॉपर, यहाँ पर अगर ये फोकस करे तो हाँ, ये आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है। आपका जो फ़ोन है, फ़ोन इसमें टच स्क्रीन काम नहीं करती है, इसके अंदर टच सेंसिटिव नहीं है, वो काम नहीं करेगा। उसके अलावा आपको ये जो थोड़ा सा आपका पाम एरिया होता है, ये सेव करने के लिए भी यहाँ पे प्लास्टिक का ये प्रोटेक्टर है। और ये जो वेलक्रो है ये मिलती है आपको, बट ये कुछ काम की नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोडक्ट पर। तो यार अगर देखा जाए तो मैंने इसे परचेस किया था इन ऑगस्ट, और अगस्त 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद से अभी अप्रैल चल रहा है, मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है। तो टाइम के हिसाब से तो बता नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं इसे डेली तो पहनता नहीं था, बट अगर मैं किलोमीटर्स के हिसाब से बताऊँ तो मैंने अराउंड 8,000 किलोमीटर्स या फिर 7,000 to 8,000 किलोमीटर्स मैंने ये ग्लव्स पहन करके अपनी बाइक को चलाया है, जिसके अंदर सिटी राइड्स भी हैं और जो नॉर्मल राइड होती हैं वो भी हैं, हाईवे भी, और थोड़ी बहुत जो स्टंट वगैरह करता हूँ मैं तो उसकी प्रैक्टिस भी है, तो उसके अंदर मैंने ये यूज़ किया था। तो अब अगर मैं एक चीज़ बता दूँ तो यार ये सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट है अभी अवेलेबल वो है। अगर आपको लेना है तो मैं डाल दूंगा लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा, आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से ले सकते हो। अगर आपको किसी शॉप पर मिलता हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपको और सस्ता मिल जाए तो। शॉप पर मैंने रतलाम में इंदौर में पता करा, आपको अराउंड 350 के अंदर अंदर मिल जाता है। एक आता है जिसके अंदर जो नया मॉडल है उसके अंदर आपको जो ये चीज़ मिलती है वेलक्रो वाला पार्ट, ये थोड़ा सा और बड़ा मिलता है, मतलब ये रहता है थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। वो मेरे फ्रेंड के पास है, बट ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैं उसके घर तो जा सकता हूँ नहीं, बट आई विल आस्क हिम, अगर उसके पास में कोई पिक्चर वगैरह हुई तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, वरना शायद ना कर पाऊँ। तो ये जो चीज़ है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने जो चीज़ फेस करी है वो है ये। जैसे कि मैंने ये ग्लव्स को पहना अभी और मैं इसको यहाँ से करूँगा बंद, तो हाई स्पीड पे क्या होता है गाइस, ये चीज़ खुल जाती है। तो अगर इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती तो यार ये काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि पर्सनली जब मैं ऐसे चलाता हूँ तो ये चीज़ मैंने बहुत बार मेरे को टाइट करनी पड़ती है हाई स्पीड के ऊपर। हाई स्पीड भी कुछ ज़्यादा नहीं, 80-90 की स्पीड के ऊपर ही ये चीज़ खुलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक इशू तो ये वाला है। दूसरा इशू जो है वो है ये, अगर आप देख सकते हो ये वेंटिलेशन के लिए अंदर आपको छोटी छोटी सी जालियाँ दी हुई है। तो क्या हुआ है ना गाइस कि ये जो जालियाँ हैं ये अंदर से कटने लग गई हैं, और वो कट के मेरी उंगलियों में लगती हैं। तो बहुत ही जल्द अब ये वाले जो ग्लव्स हैं रिटायर होने वाले हैं, इनका टाइम हो गया पूरा लगभग। इनका जो 350 रुपये के मैंने लिए थे, इनका टाइम पूरा हो चुका है, अब नए ग्लव्स आने का टाइम आ गया है। बट क्या आपको ये ग्लव्स लेने चाहिए?
तो यार अगर बिगनर्स की बात करूँ जिनका ज़्यादा बजट नहीं है या जो लोग डे टू डे कम्यूट में यूज़ करना चाहते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि जो हेलमेट है जैसे सब लोगों के लिए मैंडेटरी है, वैसे ही ग्लव्स भी हो जाने चाहिए यार, क्योंकि ग्लव्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन अगर हमारा कभी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हम लोग हमारे हाथ नीचे करते हैं, कुछ नहीं होता हम सबसे पहले हमारे हाथ नीचे करते हैं ताकि हमारे हाथ पे ना लगे. तो यार ये चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है. आपने देखा होगा बहुत बार हम गाड़ी चलाते हैं, सामने से कोई अगर कट मारता है तो वो आपके हाथ पे ही सबसे पहले इम्पैक्ट आता है, तो यार ये जो नकल गार्ड होते हैं ये भी बचा लेते हैं. तो आई थिंक कि ये भी कंपलसरी होना चाहिए और इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आई मीन अगर आप देखने जाएँ तो ये आपको 300-350 का पड़ता है. अगर आप थोड़ी हाई रेंज में जाएंगे, अगर आप स्किमिटार के लेते हैं तो आपको अराउंड 1300-1200 रुपीज़ में अच्छे ग्लव्स मिल सकते हैं. तो अभी थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग चले गए, बट कमिंग बैक टू दीज पर्टिकुलर ग्लव्स, तो यार अराउंड मैंने बताया जैसे कि मैंने 7 से 8 हज़ार चलाया, तो यार काफ़ी अच्छे चल गए ये. 7 से 8 हज़ार किलोमीटर मैंने इसे यूज़ किया है, मैंने प्रॉपर कंप्लीट मैं बता रहा हूँ आपको, हाईवे वगैरह सब मिला करके. तो आई थिंक इट इज़ प्रिटी गुड. मतलब मुझे इसके अंदर क्वालिटी में तो कोई ऐसा बड़ा फैक्टर लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा, मतलब इन लोगों ने बहुत ही बुरी चीज़ दिया है कुछ. हाँ थोड़े बहुत हियर एंड देयर देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट कैन बी चेंज, स्पेशली जो ये वेलक्रो वाला पार्ट है. बट जैसा मैंने बताया नया वाला जो नए ग्लव्स आ रहे हैं उसके अंदर ये पार्ट थोड़ा अच्छा है, ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो उसमें ग्रिप्स जो रहती है वो अच्छी रहती है. मैं ग्रिप बोल रहा हूँ सॉरी, जो वेलक्रो रहता है ये थोड़ा अच्छा रहता है, ये पार्ट खुलता नहीं है हाई स्पीड पे. उसी के साथ साथ जो बाकी का ग्लव है वो प्रॉपर है. आपको यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत स्टिचिंग वगैरह दिख सकती है, यहाँ से देख सकते हो मेरा ग्लव्स थोड़ा सा फट चुका है, ये वाला ग्लव्स भी. बट यार अगर अगेन कमिंग बैक टू दैट प्राइस, 300-350 रुपीज़ में आप क्या लोगे यार? आपको कोई भी जो गियर होता है वो 300-350 रुपीज़ में कहाँ मिलेगा? बट अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपको थोड़ी ज़्यादा हाई स्पीड राइडिंग अगर आप करते हो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो यूज़ है वो थोड़ा सा रफ़ है, अब जैसे मुझे पता चल गया, मुझे पहले आइडिया नहीं था कि मैं थोड़ा रफ़ यूज़ करता हूँ, बट नाउ आई नो कि मैं थोड़ा सा रफ़ यूज़ करने वाला इंसान हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाय राइनॉक्स ग्लव, या फिर मैं खरीदूंगा एक स्किमिटार के ग्लव्स. तो जो भी खरीदूंगा ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल जाएगा. बट मेन चीज़ ये है कि अगर ये आप लेते हो, आपको इसके अंदर कलर ऑप्शंस वगैरह भी मिल जाते हैं, शायद ब्लू अवेलेबल है, रेड अवेलेबल है, ब्लैक तो ये है ही, तो यार काफ़ी अच्छा है, आप बिल्कुल ले सकते हो. अंदर पानी जाता है, ग्लव्स गीले होते हैं, ग्लव्स बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ. उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो गार्ड वगैरह हैं ये प्राइस के हिसाब से डिसेंट हैं, आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे देंगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल नहीं देंगे, या फिर इसका जो कंफर्ट रहेगा, इसकी जो पूरी जो ग्रिप होती है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल नहीं रहेगी. बट 350-300 रुपीज़ में इससे बेटर आपको कुछ मिलने भी नहीं वाला. तो फाइनल वर्डिक्ट जो मेरा होगा वो ये है कि यस इट इज़ वर्थ इट. जो जो भी चीज़ें हैं अगेन प्राइस के अकॉर्डिंगली, मैंने यही लिखा है टॉपिक के अंदर भी, जो मेरा सॉरी टाइटल के अंदर भी मैंने ये लिखा है कि इज़ इट वर्थ buying this, is it worth it? So yes, it is worth it and you should go for it if you are just a beginner. और आपका अगर सिटी कम्यूट का है, अगर आप ज़्यादा कोई बड़ी बाइक नहीं चलाते हो, जैसे आप एक्टिवा वगैरह चलाते हो जिसकी टॉप स्पीड ही 70-75 किलोमीटर्स पर आवर होती है, तो अगर आप वो चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. वैसे इसका स्पीड से कोई लेन देन नहीं है, बट मैंने वो स्पीड का इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये चीज़ें खुल जाती है जो मैंने बताई थी. हाँ, यू कैन नॉट गेट प्रॉपर कॉन्फिडेंस राइडिंग अ हायाबूसा एंड यूजिंग दीज ग्लव्स, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं आया था जब मैंने यूज़ करी थी, सॉरी मैंने राइड करी थी हायाबूसा और मैं ये वाले ग्लव्स यूज़ कर रहा था. तो अगर थोड़े बेटर ग्लव्स होते हैं, बेटर गियर होता है, तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस होता है. तो काफ़ी लंबा हो गया यार वैसे वीडियो. तो ये था फाइनल वर्डिक्ट कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. वी आर एट अराउंड 780 सब्सक्राइबर, तो यार जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो. एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक ले पीस आउट.